दोस्तों आपका एम एस चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल फेविक ज्ञान। तो हमारे काफी सब्सक्राइबर के क्वेश्चन थे कि सर रनिंग हमारी बच्चियों के हमारे बच्चों के जो पीजी वगैरह में काम करते हैं उनके क्वेश्चन थे कि आप क्लीनिंग के विषय में बताते हैं, आप प्रेसिंग के विषय में बताइए। तो प्रेसिंग के लिए हम क्या कि ये विंग चीटर है जो एक तरह का ये पॉली शीट टाइप होता है, तो उसी तरह हम ये वोलन वोलन की जो जर्सी है इसको प्रेस करेंगे। और ये लोई है यानी जो शॉल है वोलन की इसको प्रेस करेंगे। और एक क्वेश्चन और आया था कि जो हमारा जो गारमेंट होते हैं कुछ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल आ जाते हैं, जैसे ये देख रहे हो बिल्कुल रिंकल आया हुआ है इसके ऊपर। तो ये कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि कपड़ा किस टाइप का है। तो हमारा ये रियोन फैब्रिक है और आप देख रहे हो पूरा ये भरा हुआ है, इसमें जो इसका जो रिंकल है बहुत ज़्यादा है। तो इसको रिंकल कम करने के लिए हम इसमें सिलिकॉन या शॉर्पनर यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह काफ़ी क्वेश्चन है तो उसको हम शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले विंड चीटर लेते हैं, विंड चीटर पे प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो प्रेस है ऑर्डिनरी प्रेस, क्योंकि हम इंडस्ट्री के काम तो करते हैं, बड़े सेटअप पे तो काम करते हैं, उसमें जो हमारी स्टीम प्रेस होती है उसमें स्टेपलन शूज होता है, उसमें तो कपड़े जलने का डर होता ही नहीं है। तो हमारी ऑर्डिनरी प्रेस है, इसको इसमें कोल जो आप देख रहे होगा कोल, इसमें लाइलॉन रियोन सिल्क वूलन लाइनर और कॉटन लास्ट में। तो हमने ये इसको किया हुआ है कोल के ऊपर किया हुआ है। तो कोल के ऊपर इसको सबसे पहले तो प्रेस में करंट नहीं होना चाहिए, यानी उसमें सुरक्षा सबसे पहले अपनी करनी है कि करंट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कपड़े को अच्छी तरह बिछाएं और बिछाने के बाद में इसमें हल्का सा पानी का फुहारा मार लें, पहले हल्का सा इसे पानी का फुहारा मारेंगे, हल्का सा पानी का फुहारा मारा और उसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं कि पहले, क्योंकि कपड़े को चाह तो आप दम फ्राक से कर सकते हैं, पेपर रख के कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाता हूँ कि इसको प्रेस की पहले टेम्परेचर चेक कर लें। टेम्परेचर चेक करने के बाद में इसको आप प्रेस करें, उसमें कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता इसका। बाकी जब भी आप अपने कपड़े को करें तो उसका टेम्परेचर सेट करने के बाद ही करें, उसको चेक कर लें, ये नहीं कि आप गारमेंट प्रेस करने चक्कर में कपड़े को डैमेज कर लें। तो इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ मैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इसमें जल गई है अभी। और इसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इस पर प्रेस को रोकना नहीं है, प्रेस को हमें कंटिन्यू चलाना है। प्रेस को रोकेंगे तो रोकने में हमारा कपड़ा डैमेज हो सकता है। ये हमारा जो हिस्सा प्रेस हुआ है बहुत क्लियर हो चुका है, और अब इस साइड के प्रेस करते हैं, इस साइड का जो हमारा जो फैब्रिक है इसको करते हैं। विंग चिटर है, विंग चिटर एक तरह का पॉलीशीट होती है और इसमें जलने का डर ज़्यादा होता है। तो आप इसको प्रेस करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको नॉलेज है, तो नॉलेज नहीं है तो आप इसके ऊपर कपड़ा रखकर, यानी इसको दम फ्राक बोलते हैं, कपड़ा रख के भी कर सकते हैं। तो ये है, बाकी पेपर पेपर जब भी रखे पेपर शाइनिंग वाला होना चाहिए, उसकी इंक ना निकले। तो ये पेपर शाइनिंग वाला पेपर है, तो पेपर रख के भी इसको प्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको ऐसे रखते हैं और इसको प्रेस कर लें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और उसी तरह हम कोई भी कपड़ा रख के, क्योंकि वुलन का जो कपड़ा होता है वुलन के ऊपर करते हैं, तो उसके ऊपर कपड़ा रख के करें, डायरेक्ट प्रेस को ना लगाएं, ये कपड़ा रख के भी हम इसको प्रेस कर सकते हैं और इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और प्रेस हमारी कपड़े को अच्छी तरह बिछाना, पहले ये प्रेस किया और इसके बाद इसके बैक साइड में, बैक साइड में इसमें बहुत एक तरह रिंकल है, हल्का सा फुहारा मारे, इसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं, डायरेक्ट प्रेस करते हैं अभी, डायरेक्ट प्रेस करने में भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, जब करते करते ही काम आता है हमें। ये हमने इसमें हमारी ये प्रेस हो चुकी है और बहुत ही
बिल्कुल लॉन्ड्री वाले जैसे प्रेस करते हैं उसी तरह प्रेस हो गया। मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ क्योंकि टेबल के ऊपर खड़े करके जो खड़े होके जो प्रेस होती है उसमें बहुत काम टाइम भी कम लगता है और करने में भी सुविधा होती है। बाकी बैठने से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन घर के थोड़े बहुत जो कपड़े हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में हमने ये देखो बिल्कुल इसकी जो लुक है लॉन्ड्री लुक आई है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो उसी तरह वुलन का जो कपड़ा करना, तो वुलन के कपड़े करने के लिए सबसे पहले इसकी स्लिप बिछाएंगे और स्लिप बिछाने के बाद इसके ऊपर पेपर रखेंगे हम। ये जैसे पेपर रखा और पेपर रखने के बाद हम इसको प्रेस कर देंगे। उसी तरह बाजू को दूसरी साइड में लें और इसके ऊपर पेपर रखें। पेपर शाइनिंग वाला होना चाहिए, पेपर अगर मान लो शाइनिंग वाला नहीं हो तो इंक निकलने का डर रहता है। और कपड़ा जब भी लें कॉटन का लें, वाइट लें, क्योंकि अगर सिंथेटिक कपड़ा होगा तो प्रेस की हीट ज़्यादा होगी तो कपड़ा चिपक सकता है उसके साथ में। तो बहुत ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, चीज़ें छोटी हैं लेकिन इसके इफेक्ट बहुत बड़े होते हैं। तो उसी तरह आप इसको बाजू को ऐसे रखें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट प्रेस लगा देंगे, डायरेक्ट प्रेस लगाने में हमारा जो मेजरमेंट है सबसे पहले तो ये प्रेस चिपक जाएगी वुलन के ऊपर, और दूसरा क्या है कि हमारा गारमेंट तो ख़राब होगा, प्रेस भी ख़राब हो जाएगी। तो हम इसको प्रेस कर रहे हैं और ये प्रेस किया और इसके बाद हम इसको सीधा बिछा लें। बाकी स्टीम प्रेस से कोई दिक्कत नहीं होती, स्टीम प्रेस के अंदर इसमें स्टेपलॉन शूज होते हैं, तो उसके बाद आप उसको खाली स्टीम लगानी होती है उस पर। स्टेपलॉन शूज हो तो आप टच करें, अन्यथा उसके ऊपर खाली स्टीम लगाएं, स्टीम से प्रेस हो जाती है। दम फ्राक है और जितने भी हमारे कोट वगैरह, कोट या वुलन के जो कपड़े होते हैं, तो उसको करना हो तो कपड़े को पहले गीला कर लें, दम फ्राक को, इसको दम फ्राक बोलते हैं, कपड़े को गीला कर लें। गीला करने के बाद में आप इसको उसे प्रेस करें, जो भी हमारे वुलन के कोट पैंट या इसमें जो हमारी शॉल वगैरह होती है, जब कपड़ा करें तो इसकी टेम्परेचर बढ़ा लें। कपड़ा रखें तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने इस पर स्टीम नहीं लगाई, मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ एक तरह का। तो हमारा ये प्रेस हो चुका है, इसके बाद हम इसको फोल्ड कर देते हैं और इस तरह चाहे तो इसे बैक पे भी लगा लें, और चाहे तो इसमें हल्का सा प्रेस का यानी पानी का फुहारा भी लगा सकते हैं। पानी का हल्का सा फुहारा लगाया और इसके बाद हम इसको प्रेस कर देते हैं। और इसमें जो गला होता है, नेक होता है, नेक पे आप इसको ऊपर तक ना मारें, क्योंकि नेक पे मारेंगे तो नेक पे यहाँ पे जो नेक की वी शेप या जो भी होता है उसकी शाइनिंग आ सकती है। इस एरिया को छोड़ दें, इस एरिया के ऊपर प्रेस ना लगाएं। इसके एरिया के ऊपर प्रेस लगाने के लिए आपको पेपर रखना पड़ेगा। तो हमने इसको फोल्ड कर दिया, ये हमारा फोल्ड हो गया। और फोल्ड होने के बाद हमारा बिल्कुल इसका जो शेप है लॉन्ड्री शेप आ गया है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। उसी तरह हमारा ये जो लोई है यानी जिसको गर्म शॉल बोलते हैं, इसको प्रेस करना, तो इसकी पहले तह बना लें, या इसके ऊपर आप गम जो दम फ्राक है कपड़े को गीला करें, गीला करके अच्छे तरह निचोड़ लें, यानी निचोड़े ऐसे लें कि बिल्कुल पानी ना रहे इसके अंदर। और इसके ऊपर फिर आप चाहे तो फुहारा मार के भी इसको प्रेस कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के रखें प्रेस का। और जब भी गीला दम फ्राक लगाते हैं प्रेस में करंट नहीं होना चाहिए, प्रेस में करंट होगा तो जैसे ही आप हाथ लगाएंगे आपको इसका जो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखना है। तो ये हमने प्रेस कर दिया और ये जो डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस टाइप का काम नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं उनको भी एक ये होता है कि भी कैसे बताएं। तो मेरी कोशिश ये रहती कि जहाँ तक संभव हो मैं आप तक ये नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे हमने जहाँ प्रेस मारी है बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और तो ये कि डेमो दिखा रहा हूँ आपको, तो आप इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करके तो आप इसको पेपर रख के भी कर सकते हैं, साड़ी वगैरह करें तो साड़ी पे सबसे पहले फोल्ड को प्रेस कर लें,
और फोल्ड के बाद पेपर रख के, तो ये जैसे मैंने पेपर रखा और पेपर रख के इसको आप प्रेस कर लें। जब भी वुलन पे या किसी कपड़े के ऊपर प्रेस करें पेपर रख के, तो उसको टेम्परेचर चेक करके करें, ऐसा ना हो कि कपड़े की इंक या कपड़ा या पेपर चिपक जाए उसके ऊपर। पेपर की जो इंक नहीं निकलनी चाहिए, और पेपर की जो कई बार हीट से पेपर चिपक जाएगा, तो उसके हीट को बिल्कुल उसमें अपना कपड़े के हिसाब से रखें। जहाँ जहाँ हमने प्रेस किया बहुत अच्छी प्रेस हो गई है, तो उसी तरह ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है इस पे भी इस पेपर को रखें और प्रेस कर लें इसको। बाकी इसकी जो फोल्ड है, फोल्ड के ऊपर ना करें, फोल्ड का करेंगे तो फोल्ड का जो निशान है वो बन जाएगा परमानेंट, तो फोल्ड पे ना करें। ये हमारा प्रेस हो चुका है, फर्स्ट क्लास प्रेस हो गया। तो इसी तरह छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है। उसी तरह हमारी ये जैकेट है, तो जैकेट को जब भी करें तो इसकी पहले लाइनिंग करें अंदर की तरफ से। लाइनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पहले हल्का सा फुहारा लगाएं और फुहारा लगा के टेम्परेचर को चेक कर लें। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमने प्रेस किया अंदर की लाइनिंग। लाइनिंग हमारी जो होती है ज़्यादा जलने वाली नहीं होती है, लेकिन हीट ज़्यादा होगी तो जल जाएगी ये। लेकिन फिर भी जो भी करते हैं, जो भी हमें करना है, बिल्कुल बहुत सावधानी के साथ करना है। ये हमने इसका बैक कर लिया और ये फ्रंट है, इसको भी कर लेते हैं। इस पर भी फुहारा लगाते हैं हल्का सा, फुहारा लगाया, फुहारा लगाने के बाद इसको प्रेस कर लें। ये प्रेस कर लिया, क्योंकि इसमें जो घोड़ी बोलते हैं इसको, एक तरह का पैड होती है जो हमारी स्टीम प्रेस के ऊपर होती है। तो आपका ये इतना हिस्सा हो गया, इस पर करना चाहे तो आप पेपर रख सकते हैं या दम फ्राग, कपड़ा गीला करें। गीला करने के बाद में इस कपड़े को पहले सही तरह बिछाएं अपने, उसको जो गारमेंट है, उसके बाद इसके ऊपर गीला कपड़ा, गीला कपड़ा नहीं है तो फुहारा मारें। फुहारा मारने के बाद में इसको प्रेस करें, टेम्परेचर बढ़ा के रखें, क्योंकि जब कपड़ा आ जाता ऊपर तो टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कपड़ा जलने का कोई डर नहीं होता। तो ये इसको, और कंधे के ऊपर जो शोल्डर के ऊपर तक नहीं लेके जाना हमें, क्योंकि शोल्डर पे हमें क्रीज नहीं चाहिए होती। तो ये हमने हमारा ये हिस्सा है जो एक फ्रंट है, ये प्रेस हो चुका है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये हमारा हो चुका है हिस्सा। अब दूसरे हिस्से को लेते हैं, ये दूसरा हिस्सा लिए, इसको अच्छी तरह बिछाया, और इसके पे चाहे तो आप पेपर भी रख सकते हैं, पेपर रखें, और पेपर रखने के बाद इसको चाहे तो प्रेस कर दें। बाकी वुलन के कपड़े जब भी करने हो तो उसके लिए आप दम फ्राक लें, यानी कपड़ा लें, कॉटन का कपड़ा हो, पतला कपड़ा हो, उसे गीला कर लें। गीला करने के बाद में आप इसको प्रेस करें। उसमें क्या है कि ये एक स्टीम की, एक जैसे स्टीम होता है, स्टीम जब भाप निकलेगी, भाप से जो कपड़ा हमारा बैठेगा उसकी अलग ही एक क्वालिटी आती है। ये हमारा कपड़ा प्रेस हो चुका है, इसी तरह बैग में हो जाएगा। ये हमारा जैकेट है, प्रेस हो चुकी है ये। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें, और जैसे हम ये लेते हैं, इसके अंदर हमारे जो बहुत ज़्यादा, ये हमारा रियोन की एक शर्ट है, और रियोन की शर्ट में बहुत ज़्यादा इसमें रिंकल आ चुके हैं। इसे फुहारा लगाएं पहले, फुहारा लगाने के बाद में इसको सीधा बिछाएं, और सीधा बिछा के फिर इसको प्रेस करें। इसके लिए हमें हीट ज़्यादा चाहिए, हीट ज़्यादा चाहिए होगी इसके लिए। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ सिर्फ, कि रिंकल और बिना रिंकल में कितना इसमें फ़र्क होता है। सबसे पहले इसकी कप जो है, कप को मारें, कप को प्रेस करें,
और इसके बाद मैं ये दिखाता हूँ आपको कि ये कितना ज़्यादा इसमें रिंकल थे, और रिंकल खोलने के बाद में ये कपड़ा कितना ज़्यादा खोल जाता है, इसका जो मेजरमेंट है कितना बढ़ जाता है। फौरा लगाना पड़ेगा इसमें भी पानी का। पानी लगाने से कपड़ा एक तरह का बहुत ही अच्छी उसमें शाइनिंग आ जाती है। बाकी जितने डार्क कलर के कपड़े हैं, डार्क कलर के कपड़ों को डायरेक्ट प्रेस ना लगाएं, किसी भी टाइप का कॉटन का कपड़े कैसा भी हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रेस लगा देंगे तो उसके अंदर शाइनिंग आएगी, जो प्रेस की जो शाइनिंग आएगी वो बहुत ज़्यादा भद्दी लगती है और शाइनिंग नहीं आनी चाहिए। अब ये दोनों बाजू को आप ये देख सकते हैं, एक हल्का सा एक डेमो दिखाया, दोनों बाजुओं में कितना फ़र्क है। ये बाजू हमारी प्रेस हो चुकी है, ये बाजू हमारी प्रेस नहीं हुई है। तो जब भी कपड़े के अंदर ज़्यादा रिंकल आते हों, ज़्यादा इस टाइप की सलवट आती हो, तो आप उस पर सिलिकॉन यूज़ करें, शॉर्पनर यूज़ करें, तो उससे हमें निजात मिलेगी इन चीज़ों से कि ज़्यादा इसमें सलवट नहीं आएंगी। और कपड़े को जब भी सुखाएं झाड़ के सुखाएं, उल्टा तो सुखा नहीं है, झाड़ के सुखाएं। तो हमने ये इस कॉलर प्रेस कर दिया है। कॉलर के बाद में हम इसका जो ये तीरा है, तीरे को लेंगे, इसको यहाँ से पकड़ें और पकड़ के इसको सीधा बिछाएं, इस पर हल्का सा फुहारा मारें। हल्का सा फुहारा मारने के बाद में इसको प्रेस करें। जैसे जैसे इसे प्रेस लग रही है वैसे वैसे इसमें शाइनिंग आ रही है, यानी इसकी प्रेस बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रेस हो रही है। यह हमारा तीरा हो चुका है, बहुत अच्छा, बिल्कुल आप देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो ये कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये कि हमें इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो इसी तरह हमारे ये फ्रंट है, फ्रंट में भी हम हल्का सा फुहारा मार लेंगे। हल्का सा फुहारा मारने के बाद में इसके बॉटम को, बॉटम से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं इसको, क्योंकि बटन पट्टी है, बटन पट्टी अंदर से प्रेस होती है, बाकी कांच पट्टी को तो आप कर सकते हो। बटन पट्टी क्या है कि ये बटन हमारे डिस्टर्ब करते हैं प्रेस चलने में, तो आप इसको बटन वाले हिस्से को करें, अंदर की तरफ से करें। बाकी प्रेस क्रीज बैठाने के लिए आप इसको हल्का सा कर सकते हैं। बाकी स्टार्च के कपड़े पर जब प्रेस होती है तो प्रेस रोक के चलती है, उसके जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है ये, और एक हमारा ये फ्रंट है, दोनों में कितना फ़र्क है बिफोर और आफ्टर प्रेसिंग का, कितना फ़र्क है। तो आप कर सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं, उसमें कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। उसी तरह ये जैकेट है, जैकेट को भी करना हो तो इसको भी पहले सीधा बिछा लें, क्योंकि घोड़ी के ऊपर जब करते हैं हम, घोड़ी के ऊपर लगा करते हैं, पहले इसकी लाइनिंग मार लें। मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, तो आप इसके ऊपर कपड़े को बिछाए सही तरह, उसके बाद इसको दम पर आग गीला कर लें, और गीला है तो उसके ऊपर फुहारा मारें। फुहारा मारने के बाद इसके ऊपर प्रेस करें। ये प्रेस किया हमने, वुलन के अंदर है ये जैकेट। किसी तरह के कपड़े को भी कर सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए। और ये हमारा ये फ्रंट हो चुका है, तो इसी तरह, क्योंकि कपड़े का कोई भी जो होता है उसको अपने एक मन लगा के काम करें, सब काम हो जाते हैं। और उसी तरह जब पेंट करनी हो तो पेंट करनी हो, सबसे पहले इसको अंदर की तरफ से प्रेस करें। जैसे हमारी ये प्रेस है, ये पेंट है, तो पेंट हमने उल्टी, क्योंकि कपड़ा उल्टा ही होता है, उल्टा ही इसको सुखाना चाहिए, उल्टा ही वॉश करना चाहिए इसको। हमने ये पहले पॉकेट प्रेस कर लें, इसको बैक साइड से कर लें। पानी लगाने से प्रेसिंग बहुत अच्छी होती है,
इसके बाद हम इसको इसकी जो अंदर वाला हिस्सा है जो इसको प्रेस कर लेते हैं। बाकी ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे तो हम इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर शाइनिंग आना चाहिए। शाइनिंग आने से कपड़े में जो सिलाइयाँ होती हैं, सिलाइयों में शाइनिंग आ जाती है और कपड़ा एक तरह का पुराना लगना शुरू हो जाता है। इसकी जो सिलाई है इनको चीर दें अच्छी तरह, प्रेस का टेम्परेचर कपड़े के हिसाब से करें, कपड़े के हिसाब से उसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। तो हमने ये कर दिया, इसके बाद इसको बैक साइड में ले लीजिए, इसको बैक साइड में लें, हल्का सा फुहारा मारें, क्योंकि हमारी माता बहनें कई बार क्या कि बच्चों के जो स्वेटर जर्सी वगैरह बहुत ज़्यादा एक तरह का उसमें रिंकल आ जाता है, उसमें सलवट पड़ जाती है, तो उसमें उनको समझ नहीं आता हमें करना क्या चाहिए। तो उनके लिए ही है ये वीडियो कि घर में आप प्रेस कैसे करें कपड़ों को। सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखना है, काम तो होते रहेंगे, जान है तो जहान है, सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखें। प्रेस का जो उसमें करंट नहीं होना चाहिए उसको चेक करें, और बाकी गीला स्विच वगैरह है उसके ऊपर गीले हाथ ना लगाएं, गीले हाथ लगाने से करंट आने का संभावना बढ़ी रहती है। तो ये हमने इसका बैक कर दिया प्रेस पेंट का। अब इसके बाद सीधा करके हम इसके ऊपर कपड़ा रख के इसको दम फराग से या पेपर से इसको हम प्रेस कर सकते हैं। इसमें कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। यह हमने सीधा किया और सीधा करके उसमें एक चीज़ और है कि जब हम प्रेस करते हैं पेंट को, तो पेंट में सबसे बड़ी बात होती है इनकी जो सिलाइयां हैं, इस सिलाई से इस सिलाई को मिला लें, यह मिला दिया, और इसके बाद सिलाई के ऊपर हाथ रखें, ऐसे नीचे देखें, सिलाई से सिलाई के ऊपर उंगली जानी चाहिए, सिलाई से सिलाई के ऊपर उंगली जानी चाहिए, और ये हमारी डबल क्रीज नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये बिछाया और बिछाने के बाद हमें इसको फुहारा मारा, और फुहारा मारने के बाद में हम इसको प्रेस करते हैं। डबल क्रीज नहीं होनी चाहिए पेंट में। डबल क्रीज का मतलब है कि कपड़े की जितनी भी हमारी मेहनत है सब बर्बाद है, और सिंथेटिक कपड़ों पर डबल क्रीज एक बार बन गई तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो टेलर है, टेलर लोग जो होते हैं वो उसको डायरेक्ट प्रेस ही करते हैं, वो दम फ्राक से नहीं करते। ये हमारा हो गया। इस बार इसके बाद इसको ऐसे ले लें उल्टा करके, और इसमें वैसे तो हमें दम फ्राक से करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि आप प्रेस करें, स्टीम प्रेस करें तो स्टेपलॉन सूज लगा लें, स्टेपलॉन सूज लगाएंगे तो कपड़ा जलने का डर नहीं रहता। तो हमारी ये प्रेस हो चुकी है, बहुत फाइन प्रेस हुई है, दोनों टांगों में आप देख लें कितना फ़र्क है, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। तो दोस्तों, कपड़े का या किसी भी टाइप का जो काम होता है उसको मन से करें, दिल से करें, सब कुछ होगा। तो कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। तो ये जो हमारी कोट टाइप की शर्ट है इसको करेंगे, सबसे पहले अंदर से करेंगे, उसके बाद हम इसको ऊपर से करेंगे दम फ्राक लगा के। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।